हेलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज अपने विषय हिंदी में लेक्चर 7 में लेसन 20 मोर विषे भणीशुं। मोर तो मोर ए आपणुं राष्ट्रीय पक्षी छे। जो सरस मजानुं तमने चित्र आप्युं छे, मोरनुं आप्युं छे नहीं? पीछा फैलावीने मोर ऊभो छे, एने रंगबेरंगी पीछा होय ने, माथे कलगी होय। हाँ तो मोर विषे आपणे जाणीए छीए। मोर वधारे ऊंचे आकाशमां उड़ी सकतुं नथी। केम नथी उड़ी सकतुं? तो एना पांखो जे होय ए वजनमां भारे होवाथी ते वधु पड़तुं ऊंचे आकाशमां उड़ी सकतुं नथी। तो आपणे आजे मोर विषे हिंदीमां भणीशुं। जुओ, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, एटले के मोर भारतनो राष्ट्रीय पक्षी छे। मोर सबसे सुंदर पक्षी है, एटले के मोर बधाथी सुंदर पक्षी छे। मोर के पंख रंगबेरंगी होते है, मोरनी पांखो रंगबेरंगी होय छे। मोर के सिर पर कलगी होती है, सिर एटले माथू, मोरना माथा पर कलगी होय छे। मोर बादलों को देखकर खुश होता है, बादल एटले वादळ, मोर वादळोने जोईने खुश थाय छे। मोर खुश होने पर नाचता है, मोर खुश थाय त्यारे नाचे छे। मोर पंख फैला कर कला दिखाता है, कला एटले कला, मोर पंखो फैलावीने कला बतावे छे। मोर पीहू पीहू आवाज करता है, मोर केवू बोले? पीहू पीहू, मोर पीहू पीहू आवाज करे छे। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है, मोर बधा लोकोने प्रिय लागे छे। मोर का शरीर भारी होता है, मोरनु शरीर भारे होय छे। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता, मोर खूब ऊंचे सुधी उड़ी सकतु नथी। हाँ तो तमारे नोट में हिंदी वाक्यनी नीचे गुजराती, एनु गुजराती अनुवाद पण लखवानुं छे। हवे आपणे स्वाध्याय जोईशुं। स्वाध्यायमां तमने कोष्टक से उचित शब्द चूनकर वाक्य पूर्ण करो, एटले के कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करीने वाक्य पूरू करवानुं छे। बाजूमां तमने कौंस आपेला छे, जुओ आ કૌંસ છે ને, એમાંથી તમારે જોઈ અને પૂરું કરવાનું છે, બરાબર? હવે આપણે ખાલી જગ્યા જોઈશું। મોર ભારત કા રાષ્ટ્રીય સોરી મોર ભારત કા ખાલી જગ્યા પક્ષી હે, તો તમને ખાલી જગ્યામાં બે આપી છે, રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક। તો કયું આવશે? રાષ્ટ્રીય। તો તમારે ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું? राष्ट्रीय लखवानु, बराबर। हाँ, मोर के सिर पर खाली जगह होती है, तो मोर ना माथा ऊपर शू होय? कलगी, पगड़ी ना होय, कलगी, तो कलगी लखवानु। मोर के पंख खाली जगह होते है, काले होते या रंगबिरंगी होते है? तो हाँ, मोर ना पंख रंगबिरंगी होते है, तो रंगबिरंगे लखवानू। मोर खाली जगह को देखकर खुश होता है, हाँ, मोर पर्वतों ने जोईने खुश था के बादलों को देखकर खुश होता है? पर्वतों को देखकर खुश होता है कि बादलों को? तो बादलों को, मोर ने वरसाद बहु गमे, वरसाद आवे एटले ते कड़ा करीने नाचे छे, एटले एने बादलों आकाश में बादल देखाय ત્યારે એને ખૂબ ગમે, ખુશ થાય, એટલે મોર બાદલો કો દેખ કર ખુશ હોતા હે। હવે પ્રશ્ન બે છે,
सही विधान के सामने साचू का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का એટલે કે ચોકડી કા ચિહ્ન કરો. ખરા વાક્યની સામે સાચું, સાચાનું ચિહ્ન અને ખોટા વાક્યની સામે ખોટાનું ચિહ્ન કરો. તો પહેલું છે, મોર સબસે સુંદર પક્ષી હે. તો મોર સુંદર જ છે તો સાચું આવશે, બરાબર. મોર કાવ કાવ કરતા હે. મોર કાવ કાવ કરે ના, શું કરે? પીહું પીહું. હા તો ખોટું. મોર સબ લોગો કો પ્રિય લગતા હે. તો સાચું. મોર ખુશ હોને પર પીહુ પીહુ આવાજ કરતા હે. હા, મોર ખુશ થાય એટલે પીહુ પીહુ પણ બોલે અને કળા કરી અને પીંછા ફેલાવીને નાચે પણ ખરું. તો આ હતો તમારે મોર વિશે. તો મોર વિશે તમારે તમારી નોટમાં, હિન્દીની નોટમાં લેસન 20 મોર કરી અને એનું હિન્દી વાક્યની નીચે ગુજરાતી વાક્યો લખવાના અને આ સ્વાધ્યાયમાં મેં જે તમને ખાલી જગ્યા અને ખરા ખોટા સમજાવ્યા તે તમારે તમારી નોટમાં લખવાના. ધન્યવાદ.